अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोस्तों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हम सब के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम बात करेंगे जो मल्टीपल मार्केट में आपको जो विनेगर मिलते हैं, जो आप बर्ड्स में यूज़ करते हो, लेकिन बहुत भाइयों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि अगर हम विनेगर यूज़ करें, कौन सा विनेगर हमें यूज़ करना है और क्यों करना है और किस लिए करना है और हमें ये चीज़ यूज़ कब करनी है, ये हमें ज़्यादातर पता नहीं होता। सबसे पहले जो आपको मार्केट में मिलता है वो है ये विनेगर, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। ये जो विनेगर सिंथेटिक है, ये जो बनता है, ये ऐसी मैंने घर में खुद बनाया है ये विनेगर। इसका काम जो है वो बर्ड्स के लिए अलग है, और जो दूसरा विनेगर है जो मार्केट में मिलता है, ये प्लेन एप्पल साइडर विनेगर है। बहुत सारे भाई जो यूज़ करते हैं वो यही है, लेकिन ये ज़्यादा आपके बर्ड्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और जो तीसरा है वो है ये एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर, जो रा अनफिल्टर्ड एंड अनपॉस्चराइज्ड विनेगर है। ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके बर्ड्स के लिए उसका मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे थोड़ी धूप थी, इसलिए मैं इसको यहाँ छाँव में लेके आया। अब सबसे हम पहले हम बात करेंगे जो ये तीन टाइप के विनेगर्स हैं, ये किन चीज़ों के लिए होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हमें कौन सा विनेगर बर्ड्स के लिए यूज़ करना है और कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो विनेगर है वो ये है, जो हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, 30-35 रुपए का इजीली मिल जाता है। लेकिन जो ये विनेगर है, ये हमारे घरों में भी होता है, वहाँ पे हम इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, खाने पीने की आइटम्स के लिए। लेकिन बर्ड्स के लिए जो ये विनेगर है बहुत ही खतरनाक होता है, इससे जो हमारे बर्ड्स में बहुत से मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ये बर्ड्स को देते हैं, इससे जो हमारे बर्ड्स के अंदर जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज है, ये बैड बैक्टीरियाज के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज किल करता है। और ये जो है, ये मैंने खुद घर पे तैयार किया है, ये आप खुद भी घर पे बना सकते हो। आपको बस करना क्या है, आपको 4 चम्मच जो है एसिडिक एसिड लाने हैं पाउडर फॉर्म में, और उनको आप जो है डिस्टिलेट वाटर में उनको डाइल्यूट करो, मिला दो, और बस एक बोतल में बंद कर दो, आपका जो विनेगर है सिंथेटिक वो तैयार हो गया। और जो दूसरा विनेगर है, ये इसके रिलेटेड आपने बहुत सी वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखी होगी, और बहुत सारे हमारे भाई जो हैं अपने बर्ड्स को ये देते हैं, लेकिन देते क्यों हैं, किस लिए देते हैं वो पता नहीं होता है। बहुत सारे बंदों को पता होता है, लेकिन ज़्यादातर भाई जो हैं उनको पता नहीं होता। उन्होंने मेरी आपकी वीडियो देख के डाला, लेकिन क्यों डाला वो पता नहीं होता है किसी बंदे को। अब हम इस विनेगर की बात करें, ये प्लेन एक एप्पल साइडर विनेगर है, और ये बनता कैसे है ये वाला विनेगर, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बनता तब है जब हम एप्पल जूस, जो सेबों से जब हम जूस निकालते हैं, उसमें जब हम एक यीस्ट ऐड करते हैं, यीस्ट आपको पता होगा, इसको हम खमीर बोलते हैं, हम कश्मीरी लैंग्वेज में खमीर बोलते हैं, उर्दू में भी शायद यही बोलते होंगे। उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये जब फर्मेंटेशन होती है इन दो चीज़ों की, यीस्ट और एप्पल जूस की, जो सबसे पहले इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। फिर जो उसकी दूसरी स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि जो एसेटो बैक्टीरिया एसिटाइल हैं, वो उस अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, जो कि विनेगर होता है, इसको हम विनेगर बोलते हैं, लेकिन इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब जो है ये इन तीनों में से फ़र्क क्या है वो भी हम जानेंगे। अब जो तीसरा है ये है एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर। इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो मदर है, और हम मदर किसको बोलते हैं, जब इसी प्रोसेस के अंदर एक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है उसको हम मदर बोलते हैं। वो बहुत ही मुफीद होता है हमारे बर्ड्स के लिए।
मदर है, ये एक सब्सटेंस है जो विनेगर में ऐड किया जाता है। इसमें जो कॉमनली जो है ये रिच इन प्रोटीन एंजाइम्स से होता है, और इसमें जो नेचुरली गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और इसमें जो है बहुत सारे विटामिन्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं, और जो ये गुड बैक्टीरियाज हैं ये इस विनेगर के अंदर जो है एक प्रोबायोटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। और जो इसके अंदर विटामिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट जो है इसके अंदर क्रिएट करता है, जो इसलिए जो ये चीज़ है ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और घर में हम इसको बहुत से चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम इसको डाइल्यूट करके अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बालों को भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, बस बर्ड्स की बात करेंगे। जब भी हमारे बर्ड्स के अंदर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब के अंदर डहरिया या बर्ड ऑफ फीड हो जाते, खाना नहीं खाते या ज़्यादा पानी पीते हैं, इंडाइजेशन होती है बर्ड्स के अंदर, कॉन्स्टिपेशन होती है, बर्ड अंडे नहीं दे पाते अच्छे से, या अगर कभी बर्ड ने अंडा दे दिया उसका जो छिलका है वो पूरा नहीं बनता है, तब हम जो है विनेगर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ हमें कैसे करना है और क्यों करना है, वजह क्या है यूज़ करने की? देखो जो हमारे बर्ड्स हैं इनके अंदर जो है इनके मुंह, इनका क्रॉप जो होता है, इन जब हमारे कबूतर के अंदर जो है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पीएच चल रहे हैं, अब जब हम एप्पल साइडर विनेगर उसको पिलाते हैं वो क्या करता है, जब हमारे बर्ड के जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन्स का पीएच या तो बढ़ जाता है, जो वो बेसिकली वो एल्कलाइन होता है, अगर वो बढ़ जाता है बर्ड के अंदर उसका जो पीएच है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो है खाना पचा नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है खाना, क्योंकि जब हमने बर्ड के अंदर जो खाने में जो है मल्टीविटामिन्स दिए होते हैं, किसी कैल्शियम की चीज़ें दी होती है ताकि हमारा बर्ड जो है स्वस्थ रहे, जब हमारे बर्ड के अंदर जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ये पार्ट्स हैं उनका जो पीएच जब डिस्टर्ब होता है, फिर हमारा बर्ड उन चीज़ों के अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे बर्ड के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, फिर जो बर्ड एग्स डालता है वो अच्छे नहीं होते, या एग्स डालना कम करता है, या कबूतर सोखे में आ जाता है, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है हमारे बर्ड्स को। अभी ठीक कैसे होता है जब हम बर्ड्स को विनेगर डालते हैं, ये क्या काम करता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये उसको एक सही जगह पे लेके आता है, एक न्यूट्रल फॉर्म में रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो बर्ड है वो ये न्यूट्रेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं अपने कबूतरों के अंदर। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, हमें विनेगर देना कब है? देखो मेरे भाइयों, जब आप विनेगर देंगे अपने कबूतरों को खाने के बाद, इससे होता क्या, ये आपके बर्ड के अंदर जो है फूड डिले करता है, इससे जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो लेट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। जब भी हमें ये देना हो पहले हमें क्या करना है, हमें शाम को कबूतरों को है पानी उठाना है, थोड़े कबूतर प्यासे रहे, और जब भी हम ये दे, इसके जो आप डोज है वो आप 2 ml से लेकर 5 ml से स्टार्ट कर सकते हो पर लीटर पानी में। लेकिन देना कैसे है, जब भी आप ये दो कबूतर, एक तो प्यासे होने चाहिए और खाली उनको जब आप सुबह के टाइम पे दो, जब 1-2 घंटा ये इसका पानी पियेंगे, फिर आपको करना है उसके बाद आपको दाना डालना है, क्योंकि तब तक जो है बर्ड के अंदर जो पीएच है वो बराबर हुआ होगा, उसके बाद आपको दाना डालना है, वरना जो अगर आप दाना डालोगे इसको कंटिन्यू आप यूज़ करोगे, उससे क्या होगा आपके बर्ड का जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो फिर देखने को पड़ेंगे आप सब भाइयों को। इसलिए जब भी आप इसको दे बर्ड को, 1 महीने में आप 3 बार दे या 2 बार दे, बस उतना कंटिन्यू इसकी डोज मत रखें। हाँ, अगर आपको ये देना है, आप करना काम, सबसे पहले इसको
5 ml इसके निकालना। आप 2 ml से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप पानी में मिलाओ, फिर जब सुबह आप बर्ड्स के सामने रखो वो पिए, और उसके 2 घंटे बाद आप उनको दाना डाल सकते हो। फिर चाहे आप ये पानी उठाओ, फिर नॉर्मल पानी आप दे सकते हो, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही सेम करना। लेकिन इसको रेगुलर नहीं देना आप, इससे है कि आपका बर्ड जो है वेट लॉस करेगा। और जो ये 2 विनेगर है, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इनको जो है ऐसी जो आपका जो कबूतरों के बर्तन हो जिसमें आप दाना डालते हैं या जिसमें पानी पीते हैं, इससे उस चीज़ की सफाई करते हैं, वॉशिंग की जाती है उसकी। ये एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है। इससे जो है हम एक पैरास्टिक किलर भी बोलते हैं। पैरास्टिक किलर में जो आपके कबूतरों के ऊपर जुए होते हैं, ये इनको भी मारते हैं। आपको क्या करना है, इसको 10 ml लगाना है 30 या 40 ml पानी में, फिर स्प्रे करके आपके कबूतर के परों के ऊपर जो उनके जुए हैं वो मर जाएंगे। आप ये पोटेशियम परमैंगनेट के भी साथ यूज़ कर सकते हो, जो कि हम नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं बर्ड्स के लिए, उसमें भी जो है ये आपको ये पैरास्टिक किलर, ये जो विनेगर है, आप जो है वो जब भी हमारे कबूतरों के दाना जब जहाँ पे आप रखते हैं उसके आप उसको लिटिल बिट आप स्प्रे कर सकते हो उसकी, इसको पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा सा स्प्रे आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से जो उसके अंदर जो फंगल इन्फेक्शनज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो दाना इसे साफ रहेगा, ऊपर से जो दाने का टेस्ट है वो चेंज होता है, वो थोड़ा सा सिट्रिक सुअर टेस्ट आ जाता है उसके अंदर, उसे जो कबूतर हैं खाते अच्छे से। और मेन बात जो है विनेगर जो है आप डिवर्मिंग में भी यूज़ कर सकते हो, इसकी बस थोड़ी सी आपको डोज बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा बंदे इसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है एज ए पैरास्टिक किलर भी होता है, जिससे डिवर्मिंग भी हो सकती है बर्ड के अंदर, जो बर्ड के अंदर के कीड़े होते हैं वो इसे मर सकते हैं, ये एज ए डिवर्मर भी हम यूज़ कर सकते हैं ये बात भी। लेकिन जब भी हमें बर्ड को खाने के साथ या पीने के साथ जो देना है, हमेशा आपको एप्पल साइडर विनेगर देना है, लेकिन विथ मदर। सिंपल एप्पल साइडर विनेगर और सिंथेटिक विनेगर आप यूज़ ना करें, इसकी वजह से मैंने आपको बोला है आपके कबूतरों के अंदर बहुत सी परेशानी हो सकती है, ये हार्मफुल है। जो सिंथेटिक है बहुत हार्मफुल विनेगर है आपके परिंदों के लिए। और ये जो एप्पल साइडर विनेगर है, विनेगर प्रिपेयर होता ही है किससे, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उससे प्रिपेयर होती है ये विनेगर जो है। जब भी आप लाओ किसी भी कंपनी का, ये रिकमेंड नहीं है जो मेरे हाथ में विनेगर है आप यही लाओ, बहुत महंगे विनेगर्स भी आते हैं और सस्ते भी आते हैं। ज़्यादा सस्ते विनेगर नहीं, जो 100 रुपये का विनेगर होता है वो विथ मदर नहीं आता है, फिर अगर उसमें लिखा भी हो विथ मदर वो बस फेक होता है। आप जब भी लाओ एक रा अनफिल्टर्ड अनपॉस्चराइज विनेगर आप चूज़ किया करो, और जब भी आप इसको यूज़ करो एक प्रॉपर नॉलेज के साथ आप यूज़ करो। विदाउट नॉलेज कभी भी विनेगर आप यूज़ नहीं करना बर्ड्स के अंदर, क्योंकि इससे जो है आपके बर्ड्स में बहुत सारा नुकसान हो सकता है, या आप ध्यान रखें। और जब भी आप बर्ड के अंदर कोई भी मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करो, मेहरबानी और मेहरबानी करके उसके जो बैंड रीज़न है उसका पता किया करें, और हम वो दवाई या वैक्सीनेशन क्यों करनी है वो पता, ऐसे ही नहीं उसने वैक्सीनेशन की मुझे भी ये करनी है, उसने ये दवाई डाली फजूल में आपको भी वही डालनी, नहीं। इससे जो आपके बर्ड हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, आपके बर्ड्स के अंदर कभी भी कोई भी गलत सिम्टम नज़र आएंगे, फिर जो ट्रीट करना वो बहुत ही मुश्किल है। हमने भी ये गलतियाँ की हैं बचपन में और पहले सालों में, अब हम उन गलतियों को सुधारते हैं। जब हमने गलतियाँ सुधारी तभी हमने आपके सामने ये चीज़ें रखी है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह जब मैं अब वैक्सीनेशन करूँगा कबूतरों को, उसकी भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा कि कौन सी वैक्सीनेशन कब करनी है और क्यों करनी है, वैक्सीनेशन जब करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मल्टीपल चीज़ें जो बर्ड के अंदर है
जितना मुझसे हो सके, टाइम नहीं मिलता है मुझे वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप भाइयों को मेरी वजह से जो है हेल्प पहुँचे। और बहुत सारे भाई मुझे कॉल करते रहते हैं और हर किसी के लिए मैं हर हमेशा अवेलेबल होता हूँ, हर टाइम जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी नॉलेज है, बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में है। बाकी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।